14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जो कायराना हमला हुआ, इस बात को एक साल बीत चुका है और जिसे लेकर जो 40 जवान इस घटना में शहीद हुए, इन जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, तभी वडोदरा शहर में भी विशेष कार्यक्रम रखे गए। हम बात कर रहे हैं वडोदरा शहर के तरसाली इलाके की, जहां पर महादेव ग्रुप के द्वारा विशेष कार्यक्रम रखा गया था। यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का विशेष आयोजन हुआ था। पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले को एक साल पूरा हुआ है और इस खास मौके पर शहीदों को याद किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाने वाले वीर शहीद जवानों को याद कर उन्हें देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। वडोदरा शहर में भी इसी खास मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन शहर भर में किया गया। हम आज बात कर रहे हैं शहर के तरसाली इलाके की, जहां पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। तरसाली इलाके में महादेव ग्रुप के द्वारा वीर जवान शहीदों के सम्मान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और यह कार्यक्रम में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही देश की रक्षा में जान न्यौछावर करने वाले वडोदरा शहर के दो वीर सपूतों को भी याद किया गया। आपको बता दें कि शहर के दो वीर जवानों के परिवार को भी इस खास मौके पर सम्मानित किया गया। माननीय मेयर श्री डॉक्टर जिकिसाबेन सेठ, डिप्टी मेयर जीवराज चौहान, मध्य गुजरात महिला मोर्चा के अध्यक्ष जनजागृति पार्टी के अमिताभा सोलंकी और उनके साथ वडोदरा जिला अध्यक्ष युवा जनजागृति पार्टी के रिंकू बा गोहिल और मांजलपुर के लाल भाई चेटवा समेत कई महानुभाव खासतौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। जम्मू कश्मीर नी अंदर पुलवामा नी अटैक नो आज एक वर्ष थयो छे। 14 फेब्रुआरी 2019 दिवसे अपना देश वीर जवानों 40 थी वधु वीर जवानों शहीद थया हता। नापाक पाकिस्ताने अटैक करीने अपना जवानों ने शहीद कर्या था। आ घटना ने एक वर्ष थयू अने एना माननी अंदर ए श्रद्धांजलि अर्पवा माटे तरसालीना महादेव ग्रुपे एक शाम शहीदों के नाम आ कार्यक्रमनो आयोजन कर्यु छे। वीर जवानों ना शहीदों ना माता पिता नी सन्मान करवा माटे पण एक कार्यक्रम राख्यो, एमां आजे उपस्थित रहेवानुं थयुं छे। मोटी संख्यानी अंदर तरसालीना सौ नगरजनों अहींया उपस्थित छे। आ जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पता अपना हृदय गदगदित थाय छे कि जेमणे माँ भारतीना माटे पोतानुं जीवन न्योछावर कर्युं छे, पोताना प्राण छोड्या छे, शहीदी आपी छे। हुं एमना परिवारजनों, एमना जे कुटुंबीजनों छे, एमनी ऊपर जे आ दुःख आव्युं छे सहन करवानी शक्ति अर्पे एवी प्रार्थना करूँ छूं। अने वडोदराना सौ नगरजनों, आपणा जे जवानों छे एमना परिवारजनोनी साथे उभा रहे एवी लागणी व्यक्त करूँ छूं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में वडोदरा शहर के शहीद जवान संजय साधु और आरिफ पठान के परिवार के लोग भी शामिल हुए थे और जिनका सम्मान भी यहां पर महानुभवों के द्वारा किया गया। साथ ही आपको बता दें कि वीर शहीद जवान के परिवार को आर्थिक मदद करने वाले राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी के प्रदेश प्रमुख दिलीप सिंह गोहिल की उपस्थिति में सबका सम्मान हुआ। विशेष श्रद्धांजलि सभी जवानों को अर्पण करने के बाद विशेष लोक डायरी का भी आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग भी शामिल हुए थे। આજે 14 ફેબ્રુઆરી અને પુલવામાની શહીદીને આજે જે શહીદી વોરી અને આજે બરાબર એક વર્ષ પૂરું થયું અને સાથે જ આપણે વડોદરાના બે જવાન એક વર્ષમાં અને લગભગ ટૂંકા ગાળામાં આપણે ગુમાવ્યા
એક તો આપણા નવા યાર્ડનો આરિફ પઠાણ અને બીજા ગોરવા વિસ્તારના નગરનો સંજય સાતુ. અને બંને એવી રીતે ગયા કે આપણા દિલમાં એક ઠેસ લાગે. જ્યારે આપણે આજે આઝાદીમાં ખૂબ શાંતિપૂર્ણ શ્વાસ લઈ લઈએ છીએ, ત્યારે આ જવાનો આપણી સુરક્ષા માટે આંખનું મટકું એ માર્યા વગર જ્યારે પોતે ત્યાં આગળ પહેરો ભરતા હોય છે અને જ્યારે શહીદ થાય છે, ત્યારે ખરેખર એમ થાય છે કે આપણે આપણા જવાનો માટે શું કરી શકીએ. મને બરાબર યાદ આવે છે બંને દિવસો કે જ્યારે એમના ડેડ બોડીને લાવવામાં આવ્યા હતા બહારથી, ત્યારે જાણે આખું વડોદરા શહેર ધ્રુસકે ચડ્યું હતું અને અબાલ વૃદ્ધ જવાન નાના બાળકો યુવાનો સૌ કોઈ એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે હાજર હતા. આજે પુલવામાના શહીદને જે પૂરું એક વર્ષ થાય છે એ દિને આપણે એક ભારે હૃદયે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ અને સાથે જ દેશ માટે રાષ્ટ્ર માટે કંઈ પણ કરી છૂટવાની આપણી ભાવના જાગૃત થાય એવા પ્રયત્નો સૌ કોઈ જોવાનો પણ કરે એવી મારી આજના દિને વાત છે. આપણે આજે ઘણી જગ્યાએ આપણે જોઈએ છે કે વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવાય છે, પરંતુ આ વેલેન્ટાઇન ડે નથી, આપણે માટે આ શ્રદ્ધાંજલિની વાત છે. આજે કંઈ કેટલીય જગ્યાએ, મને ગર્વ છે કે વડોદરા શહેરમાં કેટલીય જગ્યાએ ક્યાંક રક્તદાન શિબિરનું આયોજન થયું, કેટલીક જગ્યાએ નાના મોટા ગ્રુપમાં, કદાચ આટલા મોટા સંખ્યામાં અહીંયા આગળ છે, બીજી બધી જગ્યાએ પણ નાના નાના ગ્રુપ્સ મળીને સૌએ એક કેન્ડલ લાઇટ જલાવીને વીરોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.